हाँ तो मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि अपने आप में ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो सभी कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाते हैं जिसके अंदर कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, और ग्रिग्नार्ड में भी ऐसा ही कुछ पाया जाता है, इसलिए ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन देता है, और इसीलिए हमने इसको 1912 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया है। तो चलिए कुछ और देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले ये एक बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, बड़ा प्यारा सा है। और इसके अंदर आपने क्या देखा कि सबसे पहले हम बीच वाले पार्ट में आते हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड किस तरह से बनता है। इस तरफ रिएक्शन है, इस तरफ रिएक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है जिसको मैग्नीशियम मेटल में ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करने पे हमें आर एम जी एक्स मिलता है, और ये आर एम जी एक्स ही हमारे लिए ग्रिग्नार्ड है। इज दैट क्लियर? आर एम जी एक्स ही ग्रिग्नार्ड है हमारे पास। यहाँ पर एक तरह से कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है जो कि हाईली पोलर है, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक तरह से बेस का काम भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी कर सकता है। यहाँ आपको न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों तरह का ये काम दिखेगा, ये दिखाई दे रहा है। अब किस तरह की रिएक्शन देता है देखिए ध्यान से। पहला चीज, ये एसिड बेस रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है, एडिशन एलिमिनेशन दे सकता है, और एसन टू रिएक्शन दे सकता है। ये सब आपको इस पॉइंट में देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। लेकिन मैं फर्स्ट लूंगा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होने की प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट पे होती है। अगर किसी भी कंपाउंड में और मतलब जो आपके पास सब्सटेंस है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन देता है। और हम इसी एसिड बेस रिएक्शन में देखते हैं आर पे माइनस चार्ज है और एम जी एक्स यानी एम जी पे प्लस चार्ज है। तो एसिडिक कंपाउंड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ आर माइनस अटैच हो जाता है, और एल्केन या आपको यहाँ पर बेंजीन देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है, यहाँ आर है तो एल्केन, और फिनाइल लेंगे तो बेंजीन मिलती है आपको यहाँ पर। और बाकी का बचा एम जी एक्स, वो ओ एच के साथ अटैच हो जाता है, तो आपको एम जी एक्स ओ एच मिलता है। यहाँ क्लोरीन ले रखा है, ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हो आप। एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप, अब ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं, जैसे ओ एच, एस एच, एस एफ, एस सी एल, एच बी आर, एच आई, एन एच और टर्मिनल एल्काइन। इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोजन जिसके हट्टे से एरोमेटिसिटी जनरेट हो, या फिर यहाँ पर कीटोन। लेकिन कीटोन के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन कब होती है, जब आपके पास अल्फा गामा कीटोन हो, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा वाली हाइड्रोजन क्या होती है आपके पास इस जगह, मतलब एक ऐसी हाइड्रोजन जो ये कहलाने का, ये कार्बन इसके इन दोनों के लिए क्या कहलाएगा, अल्फा। और ये भी काफी एसिडिक है क्योंकि रेजोनेंस में है दोनों तरफ से, और ये भी रेजोनेंस में होने की वजह से एसिडिक है। तो ये सारी हाइड्रोजन एसिडिक है, और ये सारी हाइड्रोजन एच माइनस देती, एच प्लस देती है, और आर माइनस के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्केन। तो इसको नोट डाउन करिए। आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो जब भी आर माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड ओ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको अल्कोहल मिलेगा। इज दैट क्लियर? और आर एम जी एक्स रेट ऑफ रिएक्शन मोर द प्लस डेल्टा चार्ज, यानी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा है रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। ऑन कार्बन एटम मोर विल बी रिएक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आसान भाषा में मैंने पहले ही बोल दिया कि जितना कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ जो दोनों वैलेंसी खाली है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप कम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर एसिड एल्डिहाइड, फिर एसीटोन, इस तरह से। यानी कीटोन की रिएक्टिविटी कम रहेगी क्योंकि उनके ऊपर दो रीजन है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और दूसरा उनके ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बल्कि ग्रुप उसको प्लस आई ग्रुप, प्लस आई होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होगी, उसके ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया आपके पास। फिर नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर हम बात करें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, आर माइनस आएगा और ये सी एल निकल जाएगा पहली स्टेप में, तो कीटोन बन जाएगा। अभी कीटोन वापस रिएक्शन दे सकता है, अब कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दोबारा आर आएगा, एक बार और आर आएगा, और इस तरह से हमारे पास ओ एच बनेगा। तो इस तरह के हमारे पास जो बनेंगे अल्कोहल वो या तो 2 डिग्री होंगे या फिर 3 डिग्री होंगे, 1 डिग्री तो बनेंगे नहीं क्योंकि दो आर ग्रुप आ रहे हैं। तो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OPH, OCH3, OR, ये सारे हमारे लिए लिविंग ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप है। ऑब्वियसली Cl निकलेगा तो Cl माइनस की फॉर्म में, या OR निकलेगा तो OR की माइनस की फॉर्म में। अब बात आती है SN2 रिएक्शन। ये देखिए R माइनस यहाँ से आ रहा है, और सब्सिट्यूशन यानी वो हमारे लिए
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन थी, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ आएगा और यहाँ हमारे पास निकल जाएगा, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास बहुत अच्छा हो गया रिएक्शन विद साइनाइट। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद साइनाइट, तो यहाँ पर हमारे पास सेम वैसे के वैसे ही सोचना है जैसे हमने कीटोन में सुना सोचा था। आर हमारे पास यहाँ आएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जाने से ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और एन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इज दैट क्लियर? तो एन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस आएगा, फिर इस एन पे माइनस आएगा, एच अटैच हो जाएगा, हमारे पास ये कंपाउंड होगा। तो फाइनली अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हर एक कार्बन पे OH OH और एक ही कार्बन पे दो OH हमारे लिए स्टेबल नहीं होंगे, तो फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटोन, कीटोन और अमोनिया, इसको एच एच मिलेंगे, इसको ओ एच एच ओ एच मिलेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट है मेरे पास रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड में आर माइनस उस और अटैच करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है जहां स्टेरिक इंडेंस कम मिले। तो जैसे ही हमारे पास आएगा तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएगी, जैसे ये यहाँ आया तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, ओ पे माइनस आएगा, जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर ये ओ एच बन जाएगा और ये सी एच टू आर बन जाएगा। आर इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इजी है, आप इसको लिखें जल्दी से करें इसको।